हमारे संकटमोचन महाबली हनुमान, आप ही इस महादानव के आतंक से मुक्ति दिला सकते हैं हमें। प्रभु श्री राम के प्रताप से उस दुष्ट का संहार अवश्य होगा। वो विषम पर्वत की कंदराओं में रहता है, यज्ञ और आश्रमों का विध्वंस करके वही विश्राम करता है वो। अब उस दानव को उसकी दुष्टता का दंड मिलने का समय आ गया है। आप सब निश्चिंत होकर अयोध्या जाइए और प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में भाग लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। शत्रुघ्न भैया, वो मैं। शीघ्र जाइए, वो दानव भैया के अश्वमेध यज्ञ में भी बाधक बन सकता है। आप जाइए और उसके कुकर्मों का दंड दीजिए उसे। मैं और पुष्कल इस दिग्विजय यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री राम। पुष्कल, एक दानव ऋषि मुनियों को सता रहा था, हनुमान जी गए हैं उसको दंडित करने। आओ हम अपनी ये दिग्विजय यात्रा आगे बढ़ाते हैं। कदाचित हम उस आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं जहां दो वीर बालकों से हमारा सामना हुआ था। लव, मात्र तीन बाण। अच्छे लव, अब मेरा कौशल देखो। ये लो, किंतु स्मरण रहे पूर्व की भांति लक्ष्य से मत चूक जाना, अन्यथा मधुमक्खियां तुम्हें ही अपना भोजन बना डालेंगी। पूर्व में तो ध्यान भंग हो गया था मेरा, इस बार मेरा ध्यान कोई नहीं भटका सकेगा। रहा है जैसे कोई आगे है। आशा है वो जो भी हो हमारा मित्र हो, मैं उसे युद्ध की चुनौती देने के लिए आवश्यकता ना हो। शीघ्र ही उन बालकों से भेंट होगी, वो भी हमारे अश्व का स्वागत करके प्रसन्न हो जाएंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ये ध्वनि अर्थात कोई निद्रा मग्न है यहीं कहीं, उसी दानव की ध्वनि होगी। यहां तो अनेक कंदराएं हैं, रक्त के चिन्ह भी प्रत्येक कंदरा के मुहाने पर लगा है, धूम्र भी निकल रहा है। ये त्रिशूल रोम न जाने किस कंदरा में है, मुझे उसे शीघ्र ही ढूंढना होगा जिससे कि मैं शीघ्र ही लौटकर यज्ञ के अश्व की रक्षा के लिए पहुंच सकूं। अब देखो मेरा अचूक और आश्चर्यजनक लक्ष्य भेदन। न जाने क्यों मुझे प्रतीत हो रहा है कि मुझे वहां सबके साथ होना चाहिए। आशा है वहां सब सकुशल होंगे। करो वार कुश, किंतु मात्र तीन बाण।
विचलित होकर भाग रहा है। ये ध्वनि, सावधान कुश। अश्व, बचो कुश। इतना सुंदर अश्व, इसकी त्वरित गति तो दर्शनीय है। प्रतीत हो रहा है कि ये साधारण अश्व नहीं है। आओ देखते हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है, किंतु ध्वनि तो इधर से ही आई। काकाश्री, वो देखिए बाण। भई हमारा अश्व संकट में ना हो। हमें अश्व का शीघ्र ही ढूंढना होगा। सब विभिन्न दिशाओं में फैल जाओ। कालजीत जी, आप सीधे जाकर देखिए, मैं दाएं जाता हूं, और कुछ सैनिक बाएं ओर जाकर ढूंढो। और पुष्कर, तुम सेना के साथ यहीं रुककर किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए सजग रहो। जो आ गया काकाश्री। लव, और तीव्रता से। हाँ कुश, और तीव्रता से। आगे तो खाई है। बुरहाश, अब हम अशोक को पकड़ ही लेंगे। उस दानव को ढूंढने में ही बहुत समय निकल जाएगा। मुझे स्वयं ही उसे अपनी ओर आकर्षित करने का कोई उपाय अवश्य करना होगा, जिससे कि वो स्वतः ही बाहर आ जाए। भजन पूजन आदि धार्मिक कार्यों का विरोधी है ये। इस दानव को बिल से बाहर निकालने के लिए यही उक्ति सर्वोत्तम होगी। भजन गाना बंद नहीं किया तो तुम्हारी श्वासों को मैं सदैव के लिए बंद कर दूंगा। ताराम सीताराम, तुम ऐसे नहीं मानोगे ढीठ वानर। ये क्या कर रहा है वानर? छोड़ मेरा पाओ। दानव श्रेष्ठ, यदि भजन आरंभ हो जाए
तो बीच अंतरे में बंद नहीं कर सकते। यदि तुम कहो तो संपूर्ण रामायण सुना दूं तुम्हें, उद्धार हो जाएगा तुम्हारा। उद्धार तो मैं तुम्हारा करूंगा वानर, तुम्हें उद्धृत करके। पहले अपना पांव तो छुड़ा लो। अच्छा, हाथ भर के हो और मुझसे परिहास कर रहे हो तुम। पांव छोड़ो मेरा, अन्यथा इस दृश्यता के लिए क्षमा मांगने के योग्य भी नहीं रहोगे तुम। तुम स्वयं ही छुड़ा लो। दूर्ध वानर, लो भुक्त अपनी दृष्टिता का परिणाम वानर। इतना क्रोध उचित नहीं है दानव श्रेष्ठ। प्रभु राम जी के नाम पर तो मैं पूरा भजन गा सकता हूँ। फिर परिहास, मूर्ख वानर, तुम्हें तो ज्ञात ही नहीं है कि तुम किसके साथ हास परिहास करने का दुस्साहस कर रहे हो। जिन आश्रमों में भजन पूजन होता था उनको ध्वंस कर दिया है मैंने। अनेक ऋषि मुनियों का अंग भंग किया है मैंने, और तुम तो मात्र एक तुच्छ वानर हो। यदि मैंने सभी त्रिशूल चला दिए तो क्षण भर में ही तुम्हारा अंत हो जाएगा। दिखाता हूं तुम्हें। अब अगले ही क्षण में मैं इस अश्व से आगे निकल जाऊंगा। मैं भी अब वश में करना है इसे। पकड़ लिया हमने। इस अश्व के कारण मेरा ध्यान लक्ष्य से भटक गया था, फिर भी इसकी सुंदरता प्रशंसनीय है। देखो ना, कितने सुंदर आभूषण हैं इसके। ये चिन्ह बता रहे हैं कि अवश्य ही ये किसी चक्रवर्ती सम्राट का अश्व है जो भटक कर इस ओर चला आया है। लव, देखो यहाँ पर कोई संदेश है। क्या संदेश है? ये अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री राम के अश्वमेध का अश्व है। जो भी इस अश्व को पकड़ेगा उसे श्री राम की सेना से युद्ध करना पड़ेगा। देवी सीता का त्याग करना पड़ा प्रभु श्री राम को। त्याग करना पड़ा माता सीता का त्याग। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ये अश्व श्री राम का है और हमने इसे पकड़ लिया है। यज्ञ की अग्नि मध्यम हो रही है।
कुछ तो हुआ है अश्व के साथ। ये बालक, ये तो वही है जिन्होंने अपने रामायण के पाठ से हम सबके हृदय को मोह लिया था। लव और कुश, किंतु इन्होंने अश्व को क्यों पकड़ा? कहीं अपने बालपन में कोई बड़ी भूल न कर बैठे। रुक जाओ बालको, ये तुम दोनों अनुचित कर रहे हो। मुक्त कर दो अश्व को। पूर्व काल में भी तुम दोनों ने हमारी सेना को रोकने की भूल की थी, अब तुम और भी बड़ी भूल कर रहे हो बालकों। यह अश्वमेध यज्ञ का अश्व है, कोई क्रीड़ा वाला अश्व नहीं है। इसे बांधने का परिणाम की चिंता दुर्बल करते हैं। हम किसी परिणाम से भयभीत नहीं होने वाले। बालक हो इसलिए पुनः समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, यह साधारण अश्व नहीं है, धर्म और राम राज्य की स्थापना के लिए दिग्विजय यात्रा पर निकला हुआ अश्व है। इसे रोकने का अर्थ है प्रभु श्री राम का विरोध। पग पग पर साथ देने वाली अपनी पत्नी के साथ अधर्म करने वाले धर्म की स्थापना करने निकले हैं, वो श्री राम होंगे आपके प्रभु। हमारी दृष्टि में उन्होंने कोई महान कार्य नहीं किया है। ऐसे श्री राम का राम राज्य नहीं चाहिए हमें। हम मुक्त नहीं करेंगे अश्व को। ये बालक तो धृष्टता कर रहे हैं। तुम दोनों बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। भूल किसने की और परिणाम क्या हो सकता है, शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा आपको और उन श्री राम को भी। सैनिकों, कह दो अपने अयोध्या राजा से, माता सीता के त्याग के पश्चात प्रभु श्री राम के जय श्री उनसे दूर चली गई हैं। प्रतीत होता है ये दोनों बालक वही हैं जिन्होंने कमल उद्यान से पुष्प चुराने का दुस्साहस किया था। हनुमान को ज्ञात होगा तो बहुत दुख होगा। परंतु और सब कहाँ है? और हनुमान को तो इस वक्त अश्व के साथ होना चाहिए। कहाँ है हनुमान? अब देखो वानर, कैसे मेरे त्रिशूल तुम्हारी देह को टुकड़ों में विभक्त करते हैं। जय श्री राम। वानर ने मेरे त्रिशूलों को मुझ पर ही वार करने के लिए बाध्य कर दिया। कोई भी वरदान तुम जैसे अधर्मियों की रक्षा नहीं कर सकते त्रिशूल रोम। ये क्या, अश्व बंधन में? प्रतीत होता है अश्व संकट में है। मुझे शीघ्र ही पहुंचना होगा वहां। आइए ले लीजिए अश्व को। ये क्या किया तुम दोनों ने? तो परिणाम। अरे
अवश्य ही ये इन्हीं प्रतापी माता पिता के पुत्र हैं जो ऐसा अद्भुत युद्ध कौशल सीख पाए। भले ही ये मेरे विरुद्ध कार्य कर रहे हैं किंतु ना जाने क्यों ये मुझे शत्रु नहीं अपने ही लग रहे हैं। किंतु ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, इनका ये युद्ध कौशल कोई काम नहीं आएगा। कदाचित इन्हें ज्ञात नहीं कि आगे इनका सामना शत्रुघ्न पुष्कर और महाबली हनुमान से होने वाला है। मुझे शीघ्र ही अश्व की सुरक्षा के लिए पहुंचना होगा। चलो कुश। आप मेरा अंत कोई भी नहीं कर सकता। कुछ भी जो दूसरों को आहत दे वो मुझे आहत नहीं कर सकता। ये दानव इतने भयानक विस्फोट के पश्चात भी जीवित बच गया। वानर इतनी सहज नहीं है त्रिशूल राम की मृत्यु। अश्व को तुम बालकों ने बंदी बनाया है। ये है रामायण रामचंद्र गुण धाम की सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। साहस धैर्य और पराक्रम किसी की आयु देखकर नहीं अपितु व्यक्ति के गुण देखकर आते हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.